ये देखिए कितना सॉफ्ट बनाई है, एकदम सॉफ्ट एंड स्पंजी। अगर घर में कुछ बुजुर्ग लोग हैं हमारे यहाँ, तो वो भी इसको बड़े आराम से खा सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाने वाले हैं एकदम सुपर सॉफ्ट और इजी रेसिपी मीठे पुए की। इनको गुलगुले भी कहते हैं। तो आइए लगाते हैं मीठे पुए का चटकारा। इसके लिए हमें मोटा मोटा दो इंग्रेडिएंट चाहिए, एक है आटा और एक है शक्कर। आटा यहाँ हमने 5 कप्स लिया है, ये बिल्कुल इजी मेजरमेंट है। अगर आपको मेजरिंग कप के हिसाब से चाहिए या ग्राम्स के हिसाब से चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ये एकदम सिंपल मेजरमेंट है, क्योंकि हो सकता है मेजरिंग कप्स ना हो या वेइंग स्केल ना हो किसी के पास, तो ये कप तो सभी के पास घर में रहते ही हैं। तो चलिए बनाते हैं हम। पहले हम एक मेजरिंग बॉल के अंदर आटा ले लेते हैं, हमने जो अभी मेजर किया था। और अब इसके अंदर जाएगी सौंफ। सौंफ का टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। वैसे ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करूँगी आप इसको स्किप मत करिएगा। अब इसके अंदर जाएगा दही। दही डालने से हमारे जो गुलगुले हैं या मीठे पुए हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, इसलिए हम इसमें दही डाला है। और अब डाल देते हैं हम इसके अंदर हमारी चीनी, और ये चीनी गई इसके अंदर सारी। अब इसको करते हैं फटाफट मिक्स, और अब हम इसमें डालते हैं पानी। ये मैंने इसके अंदर 1 ग्लास पूरा ही पानी डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर लम्स नहीं रहने चाहिए, इसलिए धीरे धीरे करके पानी इसके अंदर बढ़ाएंगे। थोड़ा सा और पानी इसके अंदर डालते हैं, 1 और ग्लास मैंने पूरा पानी डाल दिया है इसमें। और अब इसको मिला लेते हैं हम। और अभी इसमें जो लम्स देख रहे हैं, ये एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है हमें, तो धीरे धीरे करके हम इसको मिक्स कर देते हैं। बहुत रनी नहीं बनाएंगे हम इसको, गाढ़ा ही रखेंगे। थोड़ा सा और पानी इसमें मैंने डाला है, और एकदम स्मूथ पेस्ट हम इसका तैयार कर लेते हैं। ये एकदम क्विक और इजी रेसिपी है। जब भी मीठा खाने का मन करे, आटा सभी के घर में होता है और शक्कर भी होती है, तो बस आटा और शक्कर मिक्स करिए और फटाफट पुए बना दीजिए। इजी और फास्ट, और सब लोग खुश। मिक्स करके इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेते हैं हम। ये देखिए, इसके अंदर मैंने 2.5 ग्लास पानी डाला है। लास्ट वाले में से मैंने इतना पानी इसमें बचा लिया था, तो लगभग 2.5 ग्लास पानी मैं इसमें डाल चुकी हूँ। अब इसको हम आधे घंटे के लिए ढककर रख देते हैं, ताकि शक्कर अच्छे से घुल जाए। देखिए, आधा घंटा हो चुका है, और अब आप देखिए मेरी शक्कर इसमें अच्छे से घुल चुकी है। इसमें मुझे कोई शक्कर का दाना बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, डिज़ोल्व हो चुकी है शक्कर हमारी। पर ये जो बैटर है अभी, ये बहुत थिक है, इतने गाढ़े पेस्ट का हम पुए नहीं बनाने वाले हैं। तो इसको थोड़ा सा पतला करते हैं, और इसके अंदर हम मिला देते हैं थोड़ा सा पानी। तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। इसकी जो कंसिस्टेंसी रखनी है हमको, ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी रखनी है, जो स्पून में से इजीली नीचे गिर जाए। लाइक देखिए, इसमें से आराम से नीचे गिर रहा है ये। और जैसे पकौड़े बनाते हैं हम, तो एक तरह का ये पकौड़े जैसा ही है, बस मीठे पकौड़े जैसा है। तो ये बैटर हमारा एकदम रेडी हो गया है। इसमें हम डाल देते हैं बेकिंग पाउडर, और इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। और ये हो गया हमारा बैटर पुए बनाने के लिए एकदम रेडी। तो आइए बना लेते हैं पुए। तेल मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, हमारा तेल भी गर्म हो चुका है यहाँ पर, और मैंने इसको मीडियम हाई पर रखा है। मीडियम हाई पे ही हम इसको फ्राई करेंगे। तो स्पून की मदद से आप इसको डालिए, ताकि एक जैसा शेप रहे आपका, एक जैसा साइज रहे, इसलिए मैं स्पून की मदद से इसको बना रही हूँ। जैसे हम पकौड़े बनाते हैं घर पे, बिल्कुल वैसे ही हमें ये भी बनाने हैं।
जैसे जैसे ये सिकने लग जाएंगे, देखिएगा आप धीरे धीरे ये अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे। इसको लो फ्लेम पे हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे, ये देखिए मीडियम फ्लेम ही रखेंगे हम। ऊपर आने लग गए हमारे पोहे, और इनको हम फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। इनको आप ज़्यादा सेक लेंगे तो ये कड़क हो जाएंगे, इसलिए हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक ही सेकने वाले हैं। और अब हम इनको निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर। हमारे पोहे एकदम रेडी हैं, एकदम सॉफ्ट हैं। और अब हम बाकी बचे हुए बैटर के भी पोहे बना लेते हैं। हम चाहें तो इसको हाथ से भी बना सकते हैं। पहले मैंने स्पून से बनाया था और अभी मैं इसको हाथ से बना के बता रही हूँ आपको। और इनको भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करेंगे। इसका साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। और जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होंगे हम इनको भी निकाल लेंगे। चलिए इनको निकाल लेते हैं। अब हमारे पोहे एकदम सिक गए हैं और इट्स अ वेरी इजी रेसिपी, जल्दी से बन जाते हैं। तो घर में फटाफट बनाइए और सबको खिलाइए। दो बातें हैं जो हमें याद रखनी हैं, वो ये कि हम इसे सिर्फ गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे, ज़्यादा सेकने से हमारे पोहे कड़क हो जाएंगे, और दही डालने से हमारे पोहे सॉफ्ट बनेंगे। फिर मत कहिएगा कि चारों आपने बताया नहीं। Enjoy!